गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कर्णी एकेडमी एंड एजुकेट. माई सेल्फ मोनिका शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर. कल अपन ने अपनी क्लास को लेटर राइटिंग पर विराम दिया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई थी. लेटर राइटिंग कर रहे थे अपन, लेकिन अपना लेटर राइटिंग कंप्लीट नहीं हुआ. कल अपन ने जब लेटर राइटिंग स्टार्ट किया था, तो अपन ने एक तो लेटर राइटिंग की जो बॉडी है, कि मतलब लेटर लिखते कैसे हैं, वो डिस्कस किया. लेटर कौन कौन से होते हैं, बिजनेस लेटर है, लेटर टू एडिटर है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर. पहले तो लेटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कि लेटर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल. फिर फॉर्मल किसको भेजे जाते हैं, इनफॉर्मल किसे भेजे जाते हैं. फिर उसके बाद लेटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो अपन ने 3-4 टाइप्स डिस्कस किए. बिजनेस लेटर, इंक्वायरी लेटर, लेटर टू एडिटर, और फिर रिप्लाइज़, कि रिप्लाई कैसे लिखा जाता है अगर आपके पास कोई लेटर आ जाता है. उसके साथ मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे कि किस तरह से जो है वो लेटर लिखा जाता है. तो आज जो है वो अपन और एग्जांपल्स इसके आगे डिस्कस करते हैं. जैसे ये देखिए, बुकिंग, एकोमोडेशन और अदर फैसिलिटीज़, ये आपका क्वेश्चन है. तो आप क्या करेंगे, मतलब होटल बुकिंग कर रहे हैं आपको, और उसमें आप दूसरी फैसिलिटीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं. तो मोहन, C5 आसाम, 15th April, द मैनेजर. अभी ऊपर देखिए क्या हो गया, सेंडर एड्रेस, ठीक है. फिर ये सेंडरी, तो द मैनेजर ग्लोबल ट्रेवल एजेंसी, द मॉल शिमला. ये सैल्यूटेशन हो गया. देन आफ्टर दैट सब्जेक्ट. उसके बाद में आई एम प्लानिंग टू विजिट शिमला ड्यूरिंग द समर वेकेशंस. ये सॉरी, यहाँ पर ये लाइन अप एंड डाउन हो गई है, ये लाइन यहीं पे कंटिन्यू चलेगी. थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया इसमें. आई एम प्लानिंग टू विजिट शिमला ड्यूरिंग द समर वेकेशंस इन द इंटेंट टू रीच देयर मे बाय द ICC. ये फ्लाइट नंबर उन्होंने अपना मैंशन किया. स्टे देयर फॉर अ वीक, मैं यहाँ एक वीक रुकना चाहता हूँ. You are requested to book a deluxe room in the 5-star hotel as well. अभी किसको मैसेज कर रहे हैं, ये ट्रेवल एजेंसी को मैसेज कर रहे हैं. ये होटल से बुकिंग नहीं मांग रहे हैं, ये ट्रेवल एजेंसी को मैसेज कर रहे हैं कि जो है मैं इस फ्लाइट से आऊँगा, एक वीक के लिए मुझे रुकना है, मेरे लिए डिलक्स रूम बुक करना है 5-star होटल में. I will be accompanied by my friend. I shall also need a कफर ड्राइवर टू टेक अस अराउंड शिमला. मुझे एक ड्राइवर भी चाहिएगा. प्लीज़ मेक दीज फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर अ वीक, दैट इज 16 to 22nd. अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹5,000 enclosed एज एडवांस. प्लीज़ कन्फर्म द बुकिंग सो दैट द रिमेनिंग अमाउंट मे बी सेंड यू. कि आप मेरी बुकिंग कन्फर्म करें ताकि मैं आपको रिमेनिंग अमाउंट भेज दूँ. अब इसका रिप्लाई भी जाएगा. जैसे अब उन्होंने लिख के भेजा है, तो सामने वाले ने कंफर्म किया है कि नहीं. अभी तो अपने पास चलिए फ़ोन नंबर फ़ोन होते हैं, अपन इजीली फ़ोन पर मेल के थ्रू, अपने को तो अब किसी को कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं है. आप फ़ोन में ऐप ओपन करते हैं तो आपको उस वहाँ की सारी होटल्स मिल जाती हैं, विथ जो आपके एकोमोडेशन चार्जेस हैं उसके साथ मिल जाती हैं. लेकिन दैट इज़ अनादर टाइप ऑफ फॉर्मेलिटी. तो अगर इसमें अगर अपन जाते हैं, तो अब इसका रिप्लाई भी आएगा. तो रिप्लाई टू इंक्वायरी में चले जाएंगे अपन, जिसमें यही मैटर जो है ऊपर एड्रेस जो है उनका इनका चला जाएगा. इनका एड्रेस पे ये सेंड होगा, ये जो जिन्होंने लिखकर भेजा इनके एड्रेस पर सेंड होगा. फिर यहाँ पे सेम डियर सर जाएगा. फिर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट रिप्लाई ऑफ योर रिप्लाई टू बुकिंग योर अकोमोडेशन. इस तरह से चेंज होगा, जैसे आई एम प्लानिंग टू विजिट शिमला. अब उसमें क्या होगा, सर आई रिसीव योर एडवांस अमाउंट फ्रॉम अ बैंक ड्राफ्ट एंड आई कन्फर्म योर बुकिंग. और इस तरह से जो है उसमें सारा रिप्लाई करके योर्स फेथफुली. अब नीचे उसमें क्या आ जाएगा, ग्लोबल एजेंसी ट्रेवलर द मॉल शिमला, ठीक है. तो इस तरह से इसके रिप्लाइज भी दिए जाते हैं. तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप मोहन हैं और आपने एक बुकिंग एकोमोडेशन बुक किया है, कहाँ पर बुक किया है, होटल में बुक किया है, तो प्लीज़ आस्क द मैनेजर टू रिप्लाई योर फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द बुकिंग. तो ये इसका जो है वो सेकेंड पार्ट में चला जाता है. ये अपन आगे और डिस्कस करेंगे इस पार्ट को, ये पूरा रिप्लाइज का सेक्शन है.
अब ये देखिए, ये एक बिजनेस लेटर के फॉर्म में चला जाता है, डिफेक्टिव कलर टेलीविजन, कि आपने एक टेलीविजन परचेस किया है जो कि डिफेक्टिव है। तो अब ये देखिए, ये एड्रेस आ गया ऊपर, 53 बंजारा हिल्स हैदराबाद, फिर द प्रोपराइटर क्लियर टेलीविजन, ये कंपनी का नाम है हैदराबाद। सैल्यूटेशन डाला, डियर सर, सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट CTV MS 21, ये टीवी का ब्रांड है। इट इज़ ओनली द लास्ट समर 15 June 2020 टू बी प्राइसेस दैट आई बॉट अ कलर टीवी फ्रॉम यू, के 15 जून को ही मैंने लास्ट समर में आपसे टीवी लिया। द मॉडल इज फिलिप्स, मॉडल क्या है उसका, फिलिप्स है, और फिलिप्स टीवी के अंदर कौन सा मॉडल है, ये वाला मॉडल है। फिर आपने जो बिल आया आपका, वो इनवॉइस नंबर आप उसमें मेंशन करेंगे, जो भी आपका नंबर है वो। कौन सी डेट को लिया, 15/6/2020। लास्ट वीक स्टार्ट गिविंग ट्रबलिंग, पिछले हफ्ते से ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। आई थॉट दैट द साउंड प्रॉब्लम वॉज ड्यू टू अ वीक सिग्नल, साउंड प्रॉब्लम किससे हो रहा है, वीक सिग्नल से, मतलब उसको ऐसा लगा कि साउंड आवाज़ में दिक्कत आ रही है, तो शायद कोई सिग्नल वीक होगा, या अभी जैसे बारिश का मौसम है तो उस वजह से सिग्नल नहीं आ रहा होगा, एंड दैट आई वुड पास, बट वो, और मैंने उस तरह से उस एक वीक को निकाल दिया। बट आई रिकॉर्ड विथ मोर फ्रिक्वेंसी व्हेन आई ट्राई टू एडजस्ट द नोब्स, लेकिन जब मैंने उसके नोब्स एडजस्ट करने की कोशिश की, मतलब उसको सेट करने की, टीवी के सेटिंग मोड पर जाकर इट गॉट ब्लर्ड, वो धुंधला हो गया, समटाइम द कलर फेड अवे। तो सिंस द टीवी सेट विद इन द गारंटी पीरियड फॉर 2 years, तो मेरा टीवी तो अभी क्या है, गारंटी पीरियड में चल रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट डिफेक्ट्स ऑफ योर सर्विस इंजीनियर, एंड इन केस ऑफ सेंट बियॉन्ड रिपेयर काइंडली रिप्लेस इट। तो या तो आप अपने सर्विस इंजीनियर को भेजकर उसे रिपेयर कराएं, और अगर वो रिपेयर नहीं होता है तो आप उसे रिप्लेस करें। होपिंग फॉर एन अनली फेवरेबल एक्शन, योर सिंसियरली निशा और निखिल। ठीक है, कि आपके पास एक डिफेक्टिव कलर टेलीविजन आया, तो अब आपने कितने अच्छे से, ऐसे नहीं ना मारा मारी करके कि तूने मुझे खराब टीवी दिया, है ना, जाके उसको पकड़ के मारना, वो वाला काम नहीं करना है। आप एक अच्छे नागरिक हैं, उस हिसाब से आप उसको जाके प्यार से बोलेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बीइंग अ गुड स्टूडेंट, तो आप इस तरह का लेटर लिखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सकें। समझ में आ रही है ना बात, तो बीइंग अ गुड स्टूडेंट ही आपको रिप्लाई करना है, ऐसे नहीं कि तूने मुझे ख़राब टीवी कैसे दे दिया, जाके मारा मारी शुरू कर दे, ऐसा काम नहीं करना है आपको। 53 बंजारा हिल्स, आपने एड्रेस मेंशन किया है, प्रोपराइटर जो भी कंपनी का नाम है वो, और सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपने उसको बड़े तहजीब से लिखा है कि भैया मैंने आपसे 15 जून से जो टेलीविज़न लिया था, ये उसकी इनवॉइस है, इस डेट को लिया गया है, एक वीक तक मैंने देखा, मुझे लगा वीक सिग्नल है, लेकिन ये सही में ख़राब हो गया है, तो आप अपने इंजीनियर को भेजकर या तो इसे सही कराएं, क्योंकि ये मेरा अभी भी गारंटी पीरियड में है, और नहीं तो इसे रिप्लेस कर दें। ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट इतना ही अच्छा लिखना है, और ताकि अच्छे मार्क्स मिल सकें। ठीक है ना, अब आते हैं अपन ऑफिशियल लेटर्स पे। अब ऑफिशियल लेटर्स कैसे होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स आर द लेटर्स रिटन टू द वेरियस पब्लिक और सिविल सर्वेंट्स, जो कि वेरियस पब्लिक और सिविल सर्वेंट्स को दिए जाते हैं, टू गिव द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेक्शंस ब्रांचेस और जोन्स टू ऑफिशियल रिगार्डिंग सिविक एमिनिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बड़ी बात, मेरे एरिया में बिजली का रख रखाव प्रॉपर नहीं है, बहुत बार आता है। रोड्स, मेरे एरिया की रोड्स टूट गई हैं बारिश की वजह से। हेल्थ, हमारे यहाँ खूब सारे मच्छर हो गए गंदगी की वजह से, हमारे यहाँ प्रॉपर हाइजीन नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन नहीं है, वाटर नॉइज पॉल्यूशन है। ये कॉमन लेटर्स है जो आप हमेशा फ्रॉम क्लास 6th 7th ऑनवर्ड्स लिखते चले आए हैं, कि हमारे घर के पास में एक मैरिज गार्डन है जिसमें मैरिज पार्टीज़ होती हैं, या और भी एक्स्ट्रा XYZ पार्टीज़ होती हैं, जिससे कि हमें नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, हम एग्ज़ाम्स के टाइम डिस्टर्ब होते हैं, चाहे अपन एग्ज़ाम्स में पढ़े चाहे नहीं पढ़े, है ना। फिर वाटर पॉल्यूशन पर भी बहुत है कि वाटर को अपन पॉल्यूट कर रहे हैं, गंदगी हो रही है, तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर एडिटर को लिखें। और पॉल्यूशन एंड हाइजीन के, हमारे घर के पास खूब सारा कचरा इकट्ठा हो गया है, म्यूनिसिपल बोर्ड को बोला लेकिन वो कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो आप आके उस कचरे को इकट्ठा करके लेके जाएं।
इलेक्ट्रिसिटी पिछले एक वीक से हमारे यहाँ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड्स टूटी हुई है, बारिश में पानी भर जाता है जिससे गिरने का डर भी रहता है और बीमारियाँ होती है। तो ये आप क्लास 6-7 ऑनवर्ड से ऐसे लेटर लिखते आ रहे हैं। होप क्लियर है कि ऑफिशियल लेटर्स कैसे जाएंगे। द पुलिस ऑफिशियल रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर सच एज अगेंस्ट और क्वेरल्स, टीजिंग एनिमल्स, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, लड़ाई झगड़े होना, ड्रिंकिंग ब्रॉल्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे सोशल इवेंट्स के ऊपर भी लेटर जाते हैं। पर मोस्टली आप लोगों के एग्ज़ाम में ये वाले आते हैं, मोस्टली आप लोग इन लेटर्स को यूज़ करते हैं। तो डिपार्टमेंटल लेटर्स जो हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये ट्रांसफ़र, प्रमोशंस, पोस्टिंग इनके लिए आते हैं कि जो डिपार्टमेंटल लेटर्स होते हैं, मतलब जो ऑफिस में ऑफिस के एम्प्लॉय को दे दिए जाते हैं, दैट आर डिपार्टमेंटल लेटर्स, जो कि आप लोगों के सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो अब अपन ऑफिशियल लेटर्स पर चले। अब आते हैं अपन समर कोर्स। ये 8 वीक का समर कोर्स है, उसके लिए ये एक तरह से स्कूल का हो गया एजुकेशनल के फॉर्म में कि जनकपुरी, न्यू दिल्ली, द डायरेक्टर, द सेंटर ऑफ क्रिएटिविटी एंड डेवलपमेंट, एड्रेस मेंशन किया, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 8 वीक समर कोर्स। माय यंगर सिस्टर हैज जस्ट पास्ड ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ CBSE। सॉरी, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, ये लाइन कंटिन्यू रहेगी। शी इज़ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड स्कोर्ड 85% मार्क्स इन 10th। शी डज नॉट वॉन्ट टू ऑप्शनल फॉर ट्रेडिशनल प्रेस्टिजियस कोर्स, सो शी एमर्ड अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट आई फील शी इज़ बिट टेमिड विद अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि मतलब मेरी बहन में अभी भी है कमी, उसको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कर पाएगी। शी सर्टेनली नीड सम स्किल्ड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड इंटरेक्शन। तो आप क्या करेंगे, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, वेदर सेपरेट कोचेज हैं कि नहीं गर्ल्स के लिए, फ़ी क्या है और वेदर फी इज़ एक्सेप्टेड इन 2 or 3 इंस्टॉलमेंट्स। एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, ऐसे बहुत सी डिपार्टमेंट्स ओपन हुए हुए हैं, जो कि ये एक ऑफिशियल लेटर का पार्ट है, जो कि ऑफिशियल के अंदर एजुकेशनल डिपार्टमेंट को जा रहा है। ये एक तरह का डिपार्टमेंट है जो कि अपनी क्रिएटिव को डेवलप करते हैं, मतलब कि आप कहीं पर, आपको ऐसा लगता है कहीं कहीं पर शायद अपने अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है तो, या उस हिसाब से, तो अपनी क्रिएटिविटी को अपन कैसे डेवलप कर सकते हैं वो अपने को सिखाया जाता है। वैसे तो अपना मन अपने को सब कुछ सिखाता है, मन से ही अपन डेवलप होते हैं और अपना दिमाग को अपन सेट करके चलते हैं कि मुझे करना है, तो डेफिनेटली इसके आगे कोई डेवलपमेंट कोर्स की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टडी अपन इसको स्टडी कर रहे हैं, बाकी मन जो है वो सबसे बड़ा गुरु है अपना, उसमें अगर अपन कर लें कि हाँ मुझे करना है, तो इससे बड़ा क्रिएटिव डेवलपमेंट सेंटर कोई है ही नहीं। ये दिमाग और ये मन, बस ये बराबर साथ चलते रहने चाहिए, तो ये सबसे बड़े क्रिएटिव सेंटर हैं अपने, ऐसा समझ मेरा मानना है। तो अपने इसको, अब इसके अंदर थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो उसके लिए इसने सीधा काइंडली, अब देखिए किस तरह से पॉइंट मेंशन किए हैं एक एक पॉइंट में कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, गर्ल्स, वो गर्ल चाइल्ड है, उसने अपनी सिस्टर के लिए बात की है, तो सेपरेट बैचेस हैं कि नहीं, पूरे साल की फ़ीस क्या है और क्या आप फीस इंस्टॉलमेंट में लेंगे या नहीं। क्लियर। अब स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, दैट इज़ ऑल्सो एजुकेशनल पार्ट, सेम एड्रेस आ गया, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, आप स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। आई हैव कम टू नो फ्रॉम माई फ्रेंड इन पंजाब दैट, सॉरी आज ये सब में गड़बड़ हो रहा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अवॉर्डेड स्कॉलरशिप टू स्पोर्ट्स पर्सन एंड एथलीट्स, के स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दी जा रही है स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स को, हु डिस्टिंग्विश देमसेल्फ इन वेरियस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन ड्यूरिंग देयर स्कूल डेज, जिन्होंने अपना नाम कर दिया है स्कूल डेज में। द टेन्योर ऑफ दिस स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप वेरियस फ्रॉम 3 to 5 years। सम ऑफ आवर एथलेट हैव टॉप्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सेलेक्टेड फॉर नेशनल इवेंट्स। दे आर कीन टू नो द अवेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप अवॉर्डेड अंडर द बिगनिंग गाइडेंस। द स्पेसिफिक कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्लीज
intend to us, hope you provide necessary information. तो इस तरह से स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के लिए इन्होंने मेंशन किया है. अब एक अनादर पार्ट आ जाता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लेटर दैट इज़ कंप्लेन. कि आप किसी चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में भी वो जब ऑफिशियल लेटर में आए थे कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है या जो भी है. अब इसमें आ रहा है टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ स्टोर रेन वाटर. एड्रेस आ गया ऊपर, द म्यूनिसिपल कमिश्नर, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सामनाथ मार्ग, दिल्ली. अरेंजमेंट ऑफ स्टोरेज रेन वाटर, द रेजिडेंट्स ऑफ वसंत विहार हैव फेस्ड द एक्यूट स्टोरेज ऑफ रेन वाटर ड्यूरिंग समर सीजन. देयर वॉज एक्सेप्शनली हॉट एंड लॉट ऑफ वाटर वॉज नीडेड इन क्वेंचिंग थर्स्ट, बाथिंग, कुकिंग एंड अदर बेसिक हाउस होल्ड्स लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा. स्टोरेज ऑफ वाटर कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद द लाइफ ऑफ वर्चुअल हेल्थ. रेनी सीजन इज एट हैंड एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक अरेंजमेंट टू स्टोर रेन वाटर. अपन वाटर रिसोर्सेज जैसे पढ़ा है अपन ने क्लास टेंथ में, क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों से मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें अपन ने देखा है कि वाटर कंजर्वेशन और वाटर किस तरह से होता है. तो इन्होंने सेम वही बात फेस की है कि अब जैसे बारिश का सीज़न है तो अगर अपन प्रॉपर अरेंजमेंट बना देंगे वाटर को स्टोर करने के लिए तो ये अपने लिए हेल्पफुल रहेंगे. स्टोर्ड बी क्रिएटेड अमंग द पीपल बाय डिस्टर्बिंग पैम्पलेट, के लोगों को अवेयर करें, लोगों में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करें, एडवर्टाइजमेंट करें, एजुकेटिव स्टेप्स लें, मतलब लोगों को अवेयर करें, पोस्टर्स बनाएं, वाटर इज प्रीशियस एंड वाटर इज माई लाइफ के स्लोगन देकर. वाटर इज लाइफ, ये किस में जाएगा? पोस्टर में जाएगा. क्यों जाएगा? क्योंकि ये स्लोगन है. और अपना सजेशन दें. देखिए इसमें इन्होंने पैम्पलेट की बात, एडवर्टाइजमेंट की बात की है. क्यों? क्योंकि लोगों को अवेयर करने की बात है. तो जब पब्लिक नोटिस जाएगा तो जो पब्लिक नोटिस में वो सब किस में आ जाएगा? पैम्पलेट, एडवर्टाइजमेंट, एडेक्टिव स्टेप्स. और पोस्टर के अंदर देखो इन्होंने बात की है वाटर इन माई लाइफ, डिस्प्ले करके आप पोस्टर जो है वो मेंशन कर दें. क्लियर? क्लियर हो गया आप सबको कि किस तरह से जो है अपन कंप्लेन लेटर्स लिखते हैं. अब अपना सिर्फ रिप्लाई सेक्शन बचता है कि अपन लेटर्स में रिप्लाई कैसे देते हैं, किस तरह से लेटर्स के रिप्लाई लिखे जाते हैं. और उसके साथ में अपन एक कंटेंट और करेंगे, कंप्लेंट्स के दो तीन पार्ट्स अपन और करेंगे जिसमें कि स्कूल रिगार्डिंग एजुकेशनल कंप्लेंट्स वगैरह जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. तो आज अपन अपने लेटर सेक्शन की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं. कल अपन लेटर सेक्शन अपना कंटिन्यू रहेगा और कल की क्लास में अपन सेम मिलेंगे. थैंक यू फ्रॉम माय साइड मोनिका शर्मा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर करनी एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म. जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहें. थैंक यू सो मच.